नमस्कार मैं डॉक्टर शरण शर्मा, आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसका नाम है कंठकारी। और ये प्लांट आज जो बीमारी चल रही है उसके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में टाइम टेस्टेड प्रोसीजर के थ्रू पता चला है और काफ़ी समय से रोगियों पर प्रयोग भी किया गया है। ये जो औषधीय पौधा है इसका नाम है कंठकारी, इसको ब्याग्री भी बोलते हैं, और ये हमारे श्वसन तंत्र के रोगों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में इसको आयुर्वेद में वर्णित किया गया है। अभी जो रोग है उसमें फीवर और खांसी ये मेनली मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं, और आचार्य सुश्रुत ने और भाव प्रकाश संहिता तक में और आचार्य चरक ने अपनी संहिताओं में क्लियर कट ये मेंशन किया है कि ये पांचों प्रकार की खांसियों को यानी कास को नष्ट करती है, साथ में ये अग्निदीपन का कार्य भी करती है जिससे हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म सेल्स की बिगड़ी हुई है वो भी ठीक होने लगती है। इसके गुणों को देखते हैं, ये लघु रूक्ष और तीक्ष्ण होती है, यानी ये लाइट होती है, रूक्ष होती है और तीक्ष्ण होती है, इसलिए कफज व्याधियाँ जितनी भी हैं उन सारी व्याधियों को ठीक करती है। साथ ही ये विपाक में कटु होती है और वीर्य में उष्ण होती है, यानी इसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट हॉट नेचर का होता है, यानी ये जब पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट के थ्रू ये हॉट नेचर के होने के कारण ये वात और कफ दोषों को दोनों को शांत करती है। और आयुर्वेद में जो प्रिंसिपल है कहा जाता है कि वात और कफ दोष के कारण ही खांसी मोस्टली लोगों में होती है, और यही मुख्य कारण इसके कहे गए हैं। यदि इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति को फीवर की उत्पत्ति भी हो जाती है, यानी खांसी और फीवर की भी उत्पत्ति हो जाती है, और इसमें तिक्त रस प्रधान होने के कारण ये पित्त दोष का भी शमन करने में कारगर होती है। जिन व्यक्तियों को श्वास की प्रॉब्लम होती है उन व्यक्तियों की श्वास नली और फेफड़ों से ये रिसर्च में देखा गया है कि हिस्टामिन का सीक्रेशन बढ़ा करके उनको ब्रोंकियोडायलेट और इनके एल्वोलाई को एक स्पेस दे करके श्वास की समस्या को समाप्त करती है। जिन लोगों में फिट्स आते हैं, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, जब वो व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं, उनका संज्ञा नाश हो जाता है, तो उन व्यक्तियों को इसके पत्तों का स्वरस उनकी नाक में डाला जाता है जिससे उनको संज्ञा ज्ञान यानी वो होश में आने लगते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की खांसी हुई, जुकाम हुआ, या पार्सूल यानी कि लेटरल साइड में पेन होना, चेस्ट में पेन होना, चेस्ट कंजेशन होना यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होना, उन रोगों में इसके पंचांग यानी कि इसकी जड़, इसके पत्ते, इसके फल, इसके बीज सभी का काढ़ा बनाकर दिया जाता है। मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन जैसे ब्याग्री हरीतकी और कंठकारी अवले, अगस्त हरीतकी जैसे अवले मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि इन रोगों में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन इनको लेना यदि आप वैद्य की सलाह से लेते हैं तभी आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इनसे लाभ प्राप्त नहीं होगा तो फिर आप आयुर्वेद को दोष देते रहेंगे। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा लंबे समय से बहुत ज़्यादा खांसी है जिसको जीर्ण कास बोलते हैं, उन बच्चों में आयुर्वेद में लिखा गया है कि इसके बीजों का चूर्ण करके उन बच्चों को यदि शहद के साथ दिया जाता है तो वो बच्चे जिनको जीर्ण कास है वो स्वस्थ हो जाते हैं। कंठकारी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और कंठकारी हमारे आसपास के इलाकों में बहुतायत में मिलती है, और ख़ासकर इस सीजन में जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय पर कंठकारी काफ़ी जगह पर आपको लगी हुई मिलेगी, खासकर पथरीले इलाकों पर, पहाड़ों पर, रोड के किनारों पर मिलती है।